दे बोथ रिलीज द वॉटर वेपर टू द एटमोस्फेयर। उसके बाद चौथा हमारा सेकेंड लास्ट सिमिलैरिटी, दैट इज बोथ स्टोमेटा एंड लेंटी सेल्स आर कंप्लीटली कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स। ये तो हमको पता ही पहले से पता था, दैट इज जो स्टोमेटा एंड लेंटी सेल्स है ये कंपोज्ड है, कंप्लीटली कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स। ओके, सो ये तो एक सिमिलैरिटी निकल के आता ही है, दैट इज बोथ स्टोमेटा एंड लेंटी सेल्स आर कंप्लीटली कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स। ओके, ये एक सिमिलैरिटी था। ओके, सिमिलैरिटी था। अब हमारा लास्ट सिमिलैरिटी, दैट इज दे बोथ ओपन्स टू दी एक्सटर्नल या एक्सटीरियर एनवायरनमेंट। ओके, मतलब अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे, दैट इज आप स्टोमेटा को लीव एंड ग्रीन स्टेम्स पे देखोगे, जो बिगिनिंग स्टेम होती है जैसे कि हमने बात की थी, राइट, और लेंथी सेल्स बार्क ऑफ द ट्री पे देखेंगे आपको। तो आप अगर होल स्ट्रक्चर देखोगे इंक्लूडिंग द बार्क ऑफ द ट्री, तो आप देखोगे जो ओपनिंग है लेंथी सेल एंड स्टोमेटा का, मतलब बार्क ऑफ द ट्री देखो एंड दी लीव एंड स्टेम ऑफ दी बिगिनिंग स्टेम ऑफ दी लीव देखो, मतलब प्लांट का। ओके, सो आप नोटिस करोगे कि जो ओपनिंग है लेंटिसेल एंड स्टोमेटा का वो एक्सटीरियर एनवायरनमेंट में है। ओके, उसका जो ओपनिंग है वो एक्सटीरियर एनवायरनमेंट में है, और उसका जो क्लोजिंग है, मतलब जो उसका इंटीरियर है, वो इंटीरियर इंटरनल एनवायरनमेंट में, मतलब इंटरनल प्लांटिंग में रहता है, राइट। ये बात समझ में आई। सो दे बोथ ओपन टू दी एक्सटीरियर एनवायरनमेंट, मतलब वो एक्सटीरियर एनवायरनमेंट की तरफ ओपन होते हैं। ओके, इंटरनल प्लांट में नहीं होते ओपन, एक्सटर्नल प्लांट में, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ओपन होते हैं। ओके, एक्सटीरियर एनवायरनमेंट में ओपन होते हैं। तो ये कुछ शॉर्ट बेसिक एंड सिंपल से सिमिलैरिटीज थी बिटवीन लेंटिसेल एंड स्टोमेटा। एक बार रिकॉल कर लेते हैं और मेन जो है जो सिमिलैरिटीज उसको अंडरलाइन करते हैं। बोथ स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स आर स्मॉल पोर्स। ओके, दे आर स्मॉल पोर्स। Then second, they are involved in the exchange of gases. Then they facilitate the release of water vapor to the atmosphere. If we don't include or involve the amount differentiation, okay, amount differentiation के हिसाब से देखे फिर similarity नहीं रहता, but एक तरीके से देखा जाए indirectly तो ये दोनों ही water vapor को atmosphere में release कर रहे, तो एक similarity ये निकल के आता है। फिर चौथा similarity है, that is both the stomata and lenticels are completely composed of living cells and they both open to the exterior environment. अभी highlight कर लेते हैं, underline कर लेते हैं, ठीक है। Both stomata and lenticels are small pores. Okay. They both are involved in exchange of gases. Okay. Then third thing, that is they release, they facilitate the release of water vapor to the atmosphere, okay, if we don't include the amount differentiation, okay, तो ये एक similarity निकल के आता है, they both are completely composed of living cells, okay, and they open to the exterior environment. ये ऐसे कुछ similarities थे जिनको अभी highlight किया, एक बार recall कर लेते, that is, they are the small pores, okay, they are involved in exchange of gases. They facilitate the release of water vapor to the atmosphere. Then they are completely composed of living cells and they open to the exterior environment. So, इस तरीके से हमारे similarities थी between lenticel and stomata. इस तरीके से हमारा basic सा, simple सा and quickly cover होने वाला similarities खत्म होता है। इसी के साथ हमारा जो topic था similarities between lenticel and stomata, इसी के साथ हमारा cover होता है।